At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मानसूनी बारिश के दस्तक देते ही सीतापुर के गांजरी इलाके में बाशिंदों को बढ़ा हुआ कटान का भय सताने लगा है। तहसील महमूदाबाद, लहरपुर और बिस्वा इलाके में घाघरा और शारदा नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। हालांकि अभी नदियां उफनाई नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों की तबाही को याद कर ग्रामीण खौफजदा है। बाढ़ आने से पहले तहसील प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ चुकी है। नवागत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने चार्ज संभालने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में आला अधिकारियों से जानकारी ली थी। माना जा रहा है कि जिलाधिकारी जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। फिलहाल आई इंडिया आपको तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के विकास खंड रामपुर मथुरा के उन गाँवों की स्थिति से रूबरू कराने जा रहा है जो बाढ़ और कटान के लिए अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। बताते चले कि अखरी गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। विगत वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अखरी के अस्तित्व को बचाने के लिए काफी प्रयास किए, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन इस बार जिस तरह से कार्य करवाए गए हैं उससे यह नहीं प्रतीत होता कि इस बार अखरी गांव का अस्तित्व बच पाएगा। ग्रामीणों को तो सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि अगर बाढ़ आएगी तो किस रास्ते से जाएंगे। विदित हो कि 6 जून 2024 को तहसीलदार ने एडीएम सीतापुर को एक पत्र प्रेषित किया था, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रास्तों को बिल्कुल ठीक ठाक दिखा दिया, लेकिन उसके बाद में आई इंडिया की टीम ने पहुँच कर देखा और खबर प्रसारित की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी महमूदाबाद शिखा शुक्ला 19 जून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी रामपुर मथुरा संदीप कुमार, एडीओ पंचायत ज्ञानेन्द्र कुमार, जेई घनश्याम यादव पीडब्ल्यूडी, बाढ़ खंड के जेई संजीव उपाध्याय सहित सभी आला अधिकारी पहुंचे। उप जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया कि 5 दिन के अंदर सभी रास्ते ठीक हो जाएं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। देशराज पूर्वा से अखरी तक जाने वाले मार्ग की दुर्दशा बहुत ही खराब है। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने अखरी देशराज पूर्वा पहुंचकर तैयारियों की जानकारी ली। देखें ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्र। हम आज पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत अखरी। जो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ का प्रकोप रहता है, बरसात शुरू हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि जो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में यहाँ की रास्ताएं बहुत से ख़राब हो चुके हैं। पहले से भी रास्ताएं ख़राब थीं और आज भी जब बारिश हुई है, बारिश के बाद में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आने जाने का जो साधन है, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये बंधा है और इस बंधे की रास्ता आप देख सकते हैं कच्चे मार्ग हैं, सारे टोटल मार्ग कच्चे हैं। यहाँ पर केवल मिट्टी डलवा दी गई है। आपको एक जानकारी दे दें कि 6 जून 2024 में तहसीलदार द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है एडीएम महोदय को, जिसमें लिखा गया है कि रामपुर मथुरा विकासखंड के 7 ग्राम पंचायतें जो हैं, अखरी, अंगरौरा, अटौरा, शुक्लपुरवा, केवड़ा और बगस्ती, इन 7 अति संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र में आते हैं। इन 7 ग्राम पंचायतों में जो रास्ता है, मूलभूत की सुविधाएं हैं, वो सुचारू रूप से सही कर दी गई हैं। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि ग्रामीण जो हैं, उनसे जब बात की गई, उनसे पूछा गया और जब ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आई इंडिया की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां पर देखा कि सारी रास्ताएं, जितनी भी रास्ता हैं, बंधे की रास्ता हो, चाहे वह अखरी जाने की रास्ता हो, सारी रास्ता पूरी टोटल खुदी हुई पड़ी हुई है। जो बंधा बना हुआ है, जो बंधे पर खड़ंजा लगा है, खड़ंजा टूट चुका है, पूरी तरीके से उखड़ चुका है। खड़ंजे में कोई जो जगह जगह पर हर 500 मीटर पर खड़ंजा उखड़ा हुआ पड़ा है। अब उसी के बीच में 19 जून को यहाँ उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार, तमाम लाव लश्कर के साथ जहाँ पर हम मौजूद हैं देशराज पुरोवा में, यहाँ पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद में यहाँ पर 2-3, आप देख सकते हैं ये जो खड़ंजा बनवाया गया है, ये 2-3 ट्राली मिट्टी डलवा करके उसके बाद में इस खड़ंजे को मरम्मत करा दिया गया। लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो जैसा कि खड़ंजा है और रास्ता है, यहाँ पर
अगर जो अधिकारी आएंगे किस प्रकार से आएंगे और कैसे जाएंगे, रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, नवागत जिला अधिकारी आए हैं, उनके लिए बहुत सारी चुनौतीपूर्ण कार्य रहेंगे। हालांकि आते ही आते तुरंत सबसे पहले उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का ही, जो बाढ़ क्षेत्र आते हैं रेउसा और रामपुर मथुरा के, उनका जो बुला करके आला अधिकारियों से उनकी जानकारी ली और कैसे क्या है, तो सारी चीज़ों का उन्होंने जानकारी ली है। अब देखना यह होगा कि जो अफसर हैं कितने संजीदा हैं रास्ताओं को लेकर के, जो रास्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको कैसे सही करेंगे और किस प्रकार से सही करेंगे। आप देखते रहें आई इंडिया कैम्प, सोनू मिश्रा के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।